लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ शिवसेना युवा सेना की साइकिल रैली और राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस के आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 5 और 10 रुपये कटौती कर दी है। बीजेपी आईटी सेल के स्टेट हेड सतीश निकप ने इस पर महाविकास आघाड़ी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उद्धव सरकार को अगर जनता की चिंता है तो उन्हें भी केंद्र सरकार की तरह अपना मुनाफा कम करना चाहिए ताकि ईंधन की कीमतें नियंत्रण में आ सकें। उन्होंने कहा कि एक तरफ महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार कमाई करने में जुटी है। यह दोगली राजनीति है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये और डीजल की कीमतों में 10 रुपयों की कटौती कर महाविकास आघाड़ी दलों के आंदोलन पर पानी फेर दिया है। इस पर बीजेपी ने पलटवार भी शुरू कर दिया है। बीजेपी आईटी सेल के स्टेट हेड सतीश निकम ने कहा कि अब मोदी सरकार ने ईंधन कीमतों में जब कटौती कर दी है तब महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह जनता को राहत देने अपना मुनाफा कम करे ताकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में और कमी आ सके, लेकिन सरकार खामोश है। सतीश निकम ने कहा कि यह दोगली राजनीति है कि एक तरफ महंगाई के खिलाफ आंदोलन करो और दूसरी तरफ कमाई करो। उन्होंने कहा कि यदि वाकई उद्धव सरकार जनता की हितैषी है तो उसे ईंधन टैक्स को कम करने का निर्णय तत्काल लेना चाहिए। बुधवार को दोपहर को राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस के कुछ गिने चुने लोग हमारे पार्टी की तरफ आए थे और उन्होंने निवेदन दिया कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम होने चाहिए। अभी मैं इन सारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहता हूँ कि हमारी यंत्रणा इतनी सक्षम है कि ये निवेदन दिया और 4 घंटे में हमारे केंद्र सरकार ने पेट्रोल के ऊपर 5 रुपया और डीजल के ऊपर 10 रुपया कम कर दिया। अभी युवा सेना भी कुछ साइकिल रैली वगैरह निकाले थे पिछले सप्ताह, उन्होंने भी आंदोलन किया। अभी मैं इन दोनों पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित करना चाहता हूं कि हमें एक आंदोलन और करना पड़ेगा, क्योंकि जब केंद्र सरकार ने 5 रुपया पेट्रोल पर और डीजल पर 10 रुपया कम किया है तो राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें 10 रुपया कम करना चाहिए। भाजपा शासित जितने राज्य है उन्होंने तो पिछले 6 महीने से 5-5, 10-10 रुपया कम किया पेट्रोल डीजल के ऊपर। महाराष्ट्र सरकार तो इसके ऊपर कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो मेरा यह कहना है कि अगर आपको जनता के बारे में इतनी चिंता है तो आप आगे आकर थोड़ा सा बहुत रिलीफ क्यों नहीं दे रहे लोगों को। सतीश निकम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पेट्रोल डीजल और गैस को जीएसटी में शामिल करना चाहती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार और उसके वित्त मंत्री अजीत पवार लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि सभी भाजपा शासित राज्यों ने 6 महीने पहले ही अपना मुनाफा कम कर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस पर निर्णय की बजाय राजनीति कर रही है। उन्होंने महाविकास आघाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन पर भी तंज कसा और कहा कि अगर हिम्मत है तो अपनी सरकार को जगाने के लिए आंदोलन करो ताकि जनता को राहत मिल सके। 2 महीने पहले देश के जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसमें हर राज्य के वित्त मंत्री ये निमंत्रित होते हैं और जीएसटी काउंसिल में देश के वित्त मंत्री ने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें कहा गया था कि हम पेट्रोल और डीजल और गैस को जीएसटी के दायरे में लाना चाहते हैं। इस मीटिंग में इस विषय का विरोध करने वाला पहला राज्य था महाराष्ट्र। अजीत पवार साहब ने आगे आकर इसका विरोध किया और अब जाकर इन सारे पक्षों के लोग इस विषय के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। यानी ये तो बात हुई कि दो मुंह वाला सांप, एक बाजू में एक कहना और दूसरे बाजू में दूसरा कहना, और ऊपर से इनके नेता संजय राउत, छगन भुजबल या आके अनाप शनाप कुछ न कुछ बातें कर रहे हैं। थोड़ी सी भी संवेदना बची है तो आप आगे आकर महाराष्ट्र सरकार ने, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने, अजित पवार जी ने कुछ न कुछ रिलीफ ये जनता को देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।